सालन माझी प्रखंड में आने वाला गांव बिघा की ओर चल पड़े। गांव के विकास, साफ सफाई, सड़कें आदि का जायजा लेते हुए हम गांव के लोगों से बदलते बिहार तथा सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सुविधाओं का किस तरह से लाभ उठाना है मिल करके उनसे बात करते हैं। तो हुए हम गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में हमें खेतों में लगे हुए गेहूँ की बालियाँ और सरसों दिख रहे हैं। गांव के बाहर एक मुर्गी फार्म भी दिख रहा है। गांव में प्रवेश करते ही हमें यहाँ का प्राथमिक विद्यालय मिला। की व्यवस्था, स्थानीय लोग जहाँ छठ करते हैं आदि उन सभी जगहों को देखा। आइए है जहाँ लोग छठ पूजा के लिए आया करते हैं और ये शौचालय की व्यवस्था, पानी टंकी का निर्माण किया गया है, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था, लोहिया स्वच्छ बिहार, और ये इस गांव का प्राथमिक विद्यालय बिघा पंचायत भजौना नचाव प्रखंड माझी सारण। गांव के विद्यालय के देखने के बाद हम आगे कच्ची सड़कों से होते हुए गांव के उप मुखिया जो नव निर्वाचित हुए हैं उनसे जाकर बात करते हैं। गांव में क्या क्या विकास कार्य हो रहा है इसके बारे में थोड़ी जानकारी। गांव के तहत कौन कौन सी गतिविधियां आपके द्वारा चलाई जा रही हैं गांव में, उसके थोड़ा पता है। अभियान के द्वारा हम लोगों को जो डस्टबिन बताया गया है वो लोग हम लोग घर घर बटवाए हैं और जो तीन मुहानी है वहाँ पे भी रखा गया है कचरा रखने के लिए, और शौचालय भी बना है और जिसका बाकी उसका भी हम लोग चाह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि बन जाए। जी, साफ सफाई के लिए बहुत। महिलाओं से मिलकर गांव के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यहां हमने देखा कि गांव घर के आंगन में तरह तरह के छोटे छोटे पौधे भी दिख रहे हैं। यहां आंगन में सरसों काट कर रखे जा चुके हैं, फसलें पक गई हैं, गुलाब। ये बताएं कि पहले से अब मैं गांव में क्या अंतर बुझाता। ठीक बात, ठीक अंतर बुझाता था, बढ़िया बुझाता। अब बिजली उजली आ गई बा गांव में। हाँ, गांव में बिजली आ गई बा, बढ़िया से सब कोई आजाद से बा। अब थी पहले कैसन घर रही हस, ईंटा उंटा के रही हस कि अब जाके भैली हस? ना, पहले रहा आ पछौ भई हा, गैस पर खाना मरता। हाँ, गैस पर खाना। चलिए, गांव के इस मनोहारी दृश्य को देखते हुए खेतों की पगडंडियों से होते हुए हम गांव के एक समाज सेवी से भी मिले। प्रणाम सर, आपसे बस यही पूछना था कि गांव के लिए आप बहुत कुछ करते हैं, आप से एक समाज सेवी हैं, तो गांव में अभी तक आपने क्या क्या देखा है कि क्या परिवर्तन है गांव में, किस तरह से गांव विकास की ओर बढ़ रहा है? बोलो, मेरे गाँव में पहले कुछ नहीं था। फिलहाल मेरा गांव, मेरा पंचायत उतना प्रोग्रेस में है कि हर गली, हर नली, सब चीज़ का मरम्मती, जितना भी विकास कार्य है सब कुछ हो रहा है। इंदिरा आवास जैसी योजना है, लगभग सारे लोगों को इंदिरा आवास का लक्ष्य पूरा होने जा रहा है। मनरेगा के तहत जितने भी कार्य हैं, जैसे बांध है, सड़क है, खान है, सब चीज का मरम्मती का कार्य माने प्रगति पर चल रहा है। जी जी, और शौचालय की व्यवस्था गांव में? शौचालय में भी लगभग 70% शौचालय लोगों को दिया गया है, शेष 30% जल्द उसको पूरा करने का हम लोगों का लक्ष्य है। और COVID-19 के तहत आप लोगों ने गांव में किस तरह की व्यवस्थाएं कर रखी थी महामारी के दौरान? यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है, उस उप स्वास्थ्य केंद्र पर प्रत्येक महीना, प्रत्येक सप्ताह स्वास्थ्य केंद्र से लोग आते थे और हम लोग बुला बुला कर सभी लोगों का टीकाकरण का कार्य पूरा करवाया है।
जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बात करके एक सकारात्मक सोच को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। गांव में पक्के मकान के साथ साथ कुछ कच्चे मकान भी दिखे, पशुओं का चारा भी दिखा, पुआल दिखा हमें। गांव में लोग आज भी उपले बनाते हुए नजर आए। आइए हम उप स्वास्थ्य केंद्र की तरफ बढ़ते हैं। अपने गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, आप कुछ बता पाएंगे? आप यही काम करते हैं? स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे है, 5 गांव के अंतर्गत है। और आजकल मतलब 2 साल से मतलब कोरोना का वैक्सीन भी लगातार लग रहा है। इस हरियाली को देखकर पंक्त की कुछ पंक्तियाँ याद आ गईं। छोड़ ध्रुवों की मिदुल छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। हरियाली जो बरबस आपको अपनी तरफ खींच लेती है। आइए इन सब से होते हुए जीविका दीदी से मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं। ये हमारी जीविका की कार्यकर्ता हैं, वो बताएंगी। ये एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, एनजीओ से जुड़ी हुई हैं मैडम। तो किस तरह से काम करती हैं जीविका के तरफ? गांव के लिए हम सरकारों का समूह बनाते हैं, महिलाओं का समूह बनाती हैं, महिलाओं से सहायता। जी, जितने गरीब महिलाएं हैं उनके लिए समूह बनाते हैं, बनाकर उसके लिए लोन करवाते हैं कम से कम। तो लोन स्वरोजगार के लिए दिलवाती हैं? नहीं, स्वरोजगार के लिए नहीं, अपना खाने जीने के लिए। अच्छा, मैंने जरूरतमंद काम के लिए देते हैं। तो राशि सरकार की तरफ से आपको मिलती है, तो सरकार उस पर ब्याज भी लेती है? ब्याज बहुत कम ब्याज में लेती है। कितना? मैंने 100 पर 1 रुपीज ले ली। अच्छा, तो ये बहुत कम है। और महिलाएं इससे आगे बढ़ सकती हैं, कार्य कर सकती हैं। और जी, और स्वरोजगार के लिए और क्या आप करती हैं? स्वरोजगार के लिए गरीब से गरीब महिलाएं चुनना जाता है, चुनकर मजबूर है तो वो लोग कोई काम भी आते, समूह बनाती हैं तो कोई काम भी करवाती हैं उन लोगों से। अभी काम जैसे ना सिलाई का, बुनाई का, स्वयं सहायता समूह तो ये भी काम करता है। जी, तो वो इसके तहत भी वो सब काम कर रही हैं, इसके तहत वो काम करती हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। गांव का यह आंगनबाड़ी केंद्र है जहां बच्चे पढ़ने आया करते हैं। आज यहां बच्चे नहीं आए क्योंकि संत रविदास जी की छुट्टी। अब यहाँ से चलते चलते गाँव की सरपंच से भी मिल लिया जाए, घर आकर के उनसे बात करके देखते हैं वो क्या सोचती हैं अपने गांव और घर के बारे में। नमस्कार मैम। ये हमारी माननीय सरपंच महोदया हैं। सबसे पहले अभी ये नवनिर्वाचित हैं, इसलिए सबसे पहले तो मैं इन्हें सरपंच बनने पे बहुत बहुत बधाई दूंगी, और ग्रामवासियों का भी कि वो अब हमारे महिला कैंडिडेट पे विश्वास कर रहे हैं और महिला प्रतिभागियों को सरपंच के रूप में भी चुन रहे हैं। मैडम, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अभी तो आप चुनकर आई हैं, तो गाँव के लिए आप क्या काम करिएगा, क्या क्या आपकी योजना है कार्य करने की, कौन कौन से काम करने की योजना आप बनाई है? जयप्रकाश महिला महाविद्यालय है। महाविद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाओं के साथ साथ छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु सभी शिक्षक प्रयासरत हैं। महाविद्यालय के एनएसएस द्वारा समाज के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, यहाँ के प्रोग्राम ऑफिसर से मिलकर जानते हैं। एक की कार्यक्रम पदाधिकारी हूँ मैं। अपने महाविद्यालय की सहयोगी अर्चना सिन्हा को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे मेरे द्वारा संचालित किए गए कार्यक्रमों से संबंधित कार्यों को इस माध्यम के द्वारा साझा करने का अवसर प्रदान की। सर्वप्रथम मैंने स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप का कार्यक्रम अपने महाविद्यालय की स्वयं सेविकाओं के साथ की। स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप के माध्यम से चयनित गांव में जाकर स्वयं सेविकाओं द्वारा गांववासियों को गांव में स्वच्छता का वातावरण मौजूद रहे, इसके लिए स्वयं सेविकाओं ने गांव में पेंटिंग रैली के माध्यम से गांववासियों को जागरूक की। साथ ही